हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे डोनट बिस्किट्स। ये एक बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है डोनट बिस्किट्स की, और ये क्रिसमस के सीजन में बनाया जाता है। तो रेसिपी के एंड तक बने रहे ताकि आपसे कोई स्टेप ना मिस हो जाए। पहले हम मैदा को छान लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा को छन्नी में डालकर इसको छान लेंगे हम इसको। इसको अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम इसमें 285 ग्राम्स पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें हम एक चुटकी भर नमक डाल देंगे। इसमें हम एक टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें हम दो अंडे शामिल कर लेंगे। इसमें इसमें हम 125 ग्राम डालडा वनस्पति घी डाल देंगे। अगर आपके पास वनस्पति ना हो तो आप प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 50 ग्राम दही डाल देना है इसमें, और इसमें हम एक टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसमें पानी या दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। इसमें बस इसको गूंदने के लिए दही डाला जाएगा। यहाँ पे मैं एक और टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मेरा आटा सूखा था। इसको गूंदने के लिए मेरे को थोड़ा लिक्विड चाहिए था, तो मैंने इसमें दही डाल दिया। इसमें आप बिल्कुल भी पानी, दूध या कोई और चीज़ का इस्तेमाल मत करना। इसको अच्छी तरह से एक स्मूथ सा डो बनाकर हम इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट दे देंगे। तीन घंटे हो चुके हैं हमारे आटे को रेस्ट होते हुए। अभी हम इसके छोटे लोई निकाल कर इसको 1-2 मिनट तक गूंद लेंगे, इसको स्मूथ बना लेंगे। अगर आपको इसमें थोड़े लम्ब्स मिले या कोई दाने मिले, इसको आप हाथों से मसल कर इसमें फिर से डाल देना, और इसका एक स्मूथ सा बॉल बना लेना है हमें। अभी हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा डालकर नीचे हम इसको बेल लेंगे। इसको 1/4 इंच थिकनेस तक हमें बेल लेना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ये ज़रूर बताना कि आप मुझे कौन से देश या कंट्री से देख रहे हो। इसको अच्छी तरह से बेल लेने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। एक डोनट कटर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये रेगुलर डोनट साइज़ का नहीं है, छोटा है थोड़ा, तो मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है। इसको हम ऐसे काट लेंगे। इसके एक्सेस आटे को हम निकाल देंगे और इसको फिर से गूंद कर फिर से डोनट्स बना लेंगे हम इसके। बस इसी साइज़ का और इसी थिकनेस का हमें चाहिए था। सारे डोनट्स हमने तैयार कर लिए। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने चढ़ा दिया था फ्लेम पर। इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। इसको एक एक करके हम डाल देंगे इसमें, और इसको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। अगर आप बार बार इसमें करछी डालते रहोगे तो ये टूट सकता है, तो इसको ऑटोमेटिकली ऊपर आने दे। अगर आपने मेरी रेसिपी एग्जैक्टली फॉलो की है तो ये ऐसे ही बनेंगे। तो ये ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने देना है हमें इसको, और फिर हम इसको पलट देंगे। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अभी हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी इसको अच्छा कलर आ सके। बस अब ये रेडी हो चुके हैं। बस इसी कलर का हमें होने देना है इसको। ज़्यादा डार्क नहीं, ना ही ज़्यादा लाइट रखना है हमें इसको। इसको इसी कलर के हम निकाल देंगे तेल से, और ये रेडी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।